साइड प्रोफाइल में हमारे इसके अंदर डोर वाइजर लगा दिए, साइड की बिटिंग लग गया इसके अंदर, रियर बंपर प्रोटेक्टर, ये स्कोप टच, पियानो ब्लैक, डैशबोर्ड की लेदर रैप। वेलकम टू चैनल जय ऑटो। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक्सयूवी 700 कमबैक जय ऑटो रामा रोड। अब रामा रोड पे भी एक्सयूवी 700 का काम होते हुए आपको देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ आपको AX5 की सीरीज जो मैंने इसके अंदर क्या क्या किया। इसके अंदर फ्रंट प्रोफाइल अगर लेते हो तो सारा चीज होकर के आता है, इसमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। अगर आप लगवाना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आप इधर अपर अप्लायंस क्रोम लगा सकते हो, बट इसमें नहीं लगा। साइड प्रोफाइल आप देख लो एक बार, साइड प्रोफाइल में हमारे इसके अंदर डोर वाइजर लगा दिए, हमारे लोअर गार्निश लग चुका है पूरा, देख सकते पीछे तक साइड की बिटिंग लग गया इसके अंदर। बैक प्रोफाइल में अगर आओ आप तो इसमें हमारा सेफ्टी गार्ड लग चुका है जो बिल्कुल इसके कलर कोडिंग होते हैं। और एक चीज आप देख सकते हो इसके अंदर, ये कैमरा भी मिल जाएगा हमारे पास। भैया का लग के आया था कैमरा, बट हमारे पास मिल जाता है। ये देख सकते हो हमारा रियर बंपर प्रोटेक्टर, और ये हमारा पीछे की मैट डाल दी हमने। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेन चीज, दिखाता हूँ अंदर इंटीरियर। इसकी जो इंटीरियर होता है एकदम लाजवाब इंटीरियर होता है। अब आप बोलोगे कैसे, दिखाता हूँ ये चीज देखो, ये सॉफ्ट टच, पियानो ब्लैक, इनर हैंडल सिल्वर, ये देख सकते हो हमारा लेदर रैप, ये डैशबोर्ड की लेदर रैप, ये AC की सिल्वर देखो आप, ये सीट कवर की फिटिंग देखो एक बार, ये सीट कवर की फिटिंग देखो एक बार, आप उधर से आकर के दिखाओ एक चीज की फिनिशिंग, स्टीयरिंग कवर भी दिखा देना। तो आप देख सकते हो सीट कवर की फिनिशिंग, एक बार दिखाओ सीट कवर कैसी लाजवाब फिटिंग आपको देखने को मिलेगा। कहीं से एक रिंकल्स दिखेगा, कुछ दिखेगा, ये टॉप लग्जरी लाइन वाला सीट कवर, इसे हम कहते हैं टॉप लग्जरी लाइन वाला। इसमें अगर आप कॉपी लेते हो तो आपको बाजार में मिल जाएगा, बट ये क्वालिटी सिर्फ हमारे पास जय ऑटो पे मिलने वाला है। यहाँ के शॉप तक मिलने वाला है। डैशबोर्ड की फिनिशिंग चेक कर लो कितनी प्यारी फिनिशिंग है। इधर की सिल्वर आप देख सकते हो, इधर की पियानो ब्लैक देख सकते हो, एक कंसोल देख सकते हो पियानो ब्लैक, और ऊपर की टॉप, ये हमारा स्टीयरिंग कवर भी देख सकते हो आप। तो ये सारा काम हुआ ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर। अगर आपको काम करवाना हो तो इधर USB डबिंग भी लग जाता है हमारा, इधर हमारा चार्जर भी लग जाता है, तो काफी चीज लग जाता है। आपको हर वीडियो में धीरे धीरे अपडेट आपको देता रहूंगा, जैसे जैसे काम और MX में हो गया या फिर X3 में हो गया, जैसे जैसे होगा मैं आपको एक एक चीज की अपडेट देने वाला हूँ। मेन जो चीज होता है MX में होता है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलने वाला है। जो भी काम हुआ मैं भैया से बात करता हूँ, उनको काम कैसा लगा, मेन होता है भैया के ग्राहक के ऊपर, तो उनको काम अच्छा लगा या नहीं लगा उनसे बात करते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था आपको, जो जो काम हुआ उतना ही काम मैं आपको दिखाया हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताया हूँ कुछ, क्योंकि आपने कई वीडियो में देख चुके हो क्या क्या होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप पूछ सकते हो हमसे,
बाकी भैया का काम कैसा लगा इनसे हम बात करते हैं। तो सर आपको काम कैसा लगा? काम मुझे बहुत बढ़िया लगा। मैं भैया की मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पे और इनसे बात हुई थी कुछ दिन पहले, और जस्ट एक दिन पहले मैंने इनसे कॉन्टेक्ट करा था फोन पे, तो उन्होंने मुझे आज का अपॉइंटमेंट दिया था और मैं अर्ली मॉर्निंग आ गया था। उसमें थोड़ा टाइम लगा मगर काम जेन्युइन हुआ है। मैं इसके इंटीरियर के काम में टाइम लगता है, इंटीरियर काम में सेटिस्फाई हूं। खुश हो आप? अगर मैं आपसे रेटिंग की बात करूं 10 में से 10, तो देखो जी भैया को से हमारे को रेटिंग 10 के 10 मिलते जा रहा है। कई ग्राहक 10 रेटिंग दिए। अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से काम करवाना हो तो आपको आना होगा जय ऑटो रामा रोड मोती नगर DLF के सामने। सेम इसी तरीके से काम करवा करके जाओ और भाई को सपोर्ट करो। आपकी सपोर्ट से जय ऑटो और आगे की तरफ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।